हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, यूं तो हमारे आसपास कई दिव्य औषधीय पौधे पाए जाते हैं, लेकिन शायद पहचान और सही जानकारी न होने के कारण हम उनके लाभकारी फायदों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही दिव्य औषध है गुड़मार, जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम है जिमनेमा सिल्वेस्टर। आयुर्वेदिक पद्धति में इसके पत्तों का उपयोग हजारों सालों से किया जाता रहा है। यह टाइप 2 डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। गुड़मार, गुड़ और मार दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ अर्थात मीठा और मार मतलब नष्ट करना। गुड़मार मीठे को नष्ट करने वाली अर्थात शुगर को कम करने वाली होती है। इसकी पत्ती को खा लेने पर किसी भी मीठी चीज का स्वाद लगभग 1 घंटे तक के लिए समाप्त हो जाता है। इसे खाने के बाद गुड़ या चीनी की मिठास खत्म हो जाती है और गुड़ या चीनी खाने पर रेत के समान लगती है। इस विशेषता के कारण इसे मधुनाशिनी भी कहा जाता है। यह आंत से शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोकने या कम करने में मदद करती है। गुड़मार इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने और पैनक्रियास की उन बीटा सेल्स को रिजुविनेट करने में मदद करती है जिनसे इंसुलिन बनती है। गुड़मार हेल्दी ग्लूकोज उपयोग करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम्स की गतिविधियों को बढ़ाकर शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है। दोस्तों, ऐसे ही उपयोगी वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। गुड़मार की पतली लता होती है, जिसे आयुर्वेद के वल्ली पंचमूल में रखा गया है। वल्ली अर्थात ऐसे पौधे जिनकी लताएं होती हैं। वल्ली पंचमूल में विदारी, सारेवा, मंजिष्ठा, गुड़ुची और गुड़मार आते हैं। गुड़मार की लता रोमश होती है, इस पर हल्के हल्के रोए होते हैं। यह बहुवर्षीय बहुत सारी शाखा वाली चक्र आरोही होती है, जो वृक्षों पर बाई तरफ से चढ़ती है। इसकी पत्तियां अंडाकार, भालाकार, मृदु रोमश होती हैं। यह पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। गुड़मार के फूल पीले रंग के घंटी के आकार के मंजरियों में और कलियां प्रायः एकाकी अथवा जोड़े में अग्र की ओर संकुचित होकर चोंच जैसी हो जाती हैं। गुड़मार का फल भाले के आकार का 2 से 3 इंच लंबा होता है, आगे की ओर पतला होता है। भेड़ के सींग के आकार के फल होने से इसे मेषश्रृंगी कहा गया है। इसके बीज 1 इंच लंबे, अंडाकार, हल्के भूरे होते हैं। इन्हें लगाने के लिए 24 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोएं, फिर आधा इंच गहरी मिट्टी में इसे लगाएं। दोस्तों, गुड़मार का प्रयोग शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शुगर को कम करने के लिए मार्केट में कई मेडिसिन्स और प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिनसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और शुगर भी नियंत्रित नहीं होती है। एलोपैथिक मेडिसिन्स हाइपोग्लाइसेमिक होती हैं, जिनसे अगर आप सही समय पर खाना नहीं खाते हैं तो शुगर नॉर्मल से भी कम हो जाती है और चक्कर आना जैसी समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन गुड़मार में ऐसा नहीं होता है। यह एंटी हाइपरग्लाइसेमिक होती है, जो बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित कर नॉर्मल लाती है, लेकिन नॉर्मल से कम नहीं करती है। अगर प्री डायबिटिक कंडीशन में आप इसका सेवन करने लगें तो आसानी से शुगर नियंत्रित होगी, साथ ही आपके शरीर को मेडिसिन की आदत भी नहीं लगेगी, जो कि एक बहुत ही घातक कंडीशन होती है। मधुमेह में अगर आप गुड़मार की पत्ती प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 से 3 हरी पत्तियों को चबाकर ऊपर से पानी पी लें। दूसरा तरीका है कि आप इसकी पत्तियों को सुखा लें, सुखाकर इनका पाउडर बना लें, फिर 2 से 4 ग्राम पाउडर सुबह शाम खाने के बाद लें। इससे यह आंत से शुगर का अवशोषण को कम करने में मदद करेगी। गुड़मार की कैप्सूल या टैबलेट मार्केट में भी उपलब्ध है। अगर आप टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं तो 500
मिलीग्राम गुणमान सत्व जिसे एस्ट्रेक्ट कहते हैं, सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद लें। आप गुड़मार के पत्तियों की चाय भी ले सकते हैं। अगर आपको ताजी पत्ती मिलती है तो 2 से 3 पत्ती या फिर सूखी पत्ती का दरदरा थोड़ा मोटा पाउडर 1 चम्मच या 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर उसे 200 ml पानी में डालें। जब आधा पानी शेष बचे तो उसे छान लें। यह चाय शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। सुबह शाम आप इसे नॉर्मल चाय की जगह पिएं। इससे आपको अधिक फायदा होगा। दोस्तों, गुड़मार शुगर के साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखती है। महिलाओं को होने वाली पीसीओडी की समस्या में भी यह कारगर है। लीवर की सुरक्षा के लिए गुड़मार टॉनिक का काम करता है। इस प्रकार गुड़मार एक बहुत ही अच्छा वरदान है। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।